एवरीवन, तो अभी हम बाहर आए हैं ऐसे ही ट्रेंड सेट के पास। इसको देखो, इसको स्लाइड चढ़ना ही था क्योंकि उस दिन लेट हो गए थे। या तो किसी में भी चढ़ नहीं पाया था, इसलिए फिर से आ गए हम लोग। एंड पीछे आ रहे हैं ये, कहाँ गए वो देखो, अभिषेक एंड उसके पापा। अभिषेक को अलाउड नहीं है पानी में जाना, इसलिए यहाँ पे बैठाया, तो बहुत दुखी फील कर रहा है वो। तो क्योंकि अभिषेक बोर हो रहा था बाहर, इसलिए मैं उसको अंदर लेके आई। और अंदर यहाँ पे डायनासोर्स के और कारवार थे, तो इससे पहले वो कार पे चढ़े हुए थे, इसलिए अभी डायनासोर उस पर चढ़े हैं। तो आदित्य बाहर अभी भी बोट राइडिंग कर रहा था और अभिषेक इतनी अच्छी तरह ड्राइविंग कर रहा था, मतलब इसमें एक बटन दबाते ही वो डायनासोर ऑटोमेटिक आगे जाने लगता है, ऊपर करने से आगे जाता है, नीचे दबाने से रिवर्स आ जाता है। तो जैसे ही वो साथ में उसके जो भैया चल रहे थे लेफ्ट बोल रहे थे, तो जहाँ हाथ दिखा रहे थे उस टाइप पे अच्छी तरह मुड़ा दे रहा था, वो बड़ी अच्छी तरह ड्राइव किया। और इस बीच में जो है आदित्य भी आ गया और उसके पापा भी आ गए उसको लेके, तो उसका एक राउंड बचा हुआ था अभिषेक का, मैं बोला चलो देखेंगे करके। तब मैंने आदित्य का वेट किया था और दोनों को साथ में भेजा फिर। और आदित्य की जो डायनासोर है उसका दूसरा वाला, उसका क्या बोलते हैं टाइप का डायनासोर है, इनके नाम मुझे याद नहीं है, पता नहीं कौन कौन से नाम होते हैं, राइनोसोरस, ये सोरस, वो सोरस, तो है तो सारे डायनासोर जो आजकल की दुनिया में नहीं है। तो आदित्य का ये जो था डायनासोर बहुत स्लो चल रहा था और यहाँ पे अभिषेक थे, तीन राउंड कंप्लीट हो गए। तो मैंने आदित्य को बोला कि उतर के इस वाले आगे वाले पे चढ़ जाओ, क्योंकि वो बहुत स्पीड जा रहा था। तो आदित्य जो है उस पे बैठ गया। तो उस दिन उसने जो कमी थी वो आज पूरी कर ली, उस दिन कोई भी मिला नहीं था उसको चढ़ने के लिए, तो आज जो है वो पूरा चढ़ गया। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे कैसे भी आए थे टेंट सेट, तो फिर हम थोड़ा चलो ऊपर जाके आएंगे करके ऊपर गए। यहाँ पे ये जो मूर्तियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी थी और ये साड़ी भी बहुत अच्छी लगी मुझे, लेकिन अभी ख़रीदने का कोई प्लान नहीं है, बिकॉज़ ऑलरेडी नई साड़ियाँ बहुत है जो अभी तक जिनके ब्लाउज सिले नहीं है। और यहाँ पे चल रहा था ये जो फ़िश का पेडिक्योर होता है, ये वाली फ़िशेस का कुछ नाम बताया था उन्होंने, ये फिशेस जो है पैरों की डेड स्किन अच्छी तरह निकाल देती है। तो ओनली 10 मिनट्स में, मतलब वो जो पानी में रखना होता है 10 मिनट्स के लिए मिलता है, तो कितनी डेड स्किन निकलेगी पता नहीं, कभी किया नहीं है, कभी ना कभी करूँगी। और यहाँ पे फिर जो है भोजन के लिए हम ऐसे ही आए थे, लेकिन कोई प्लान नहीं था। फिर आदित्य ने बोला कि फ्रेंच फ्राइज चाहिए, तो हमने कुछ कुछ आइटम्स ले लिए। तो यहाँ पे हमने लिया है एक चिकन फ्राई पीस, एक बर्गर और फ्रेंच फ्राइज एंड वन कोल्ड ड्रिंक, और इसके अलावा एक और चिकन दूसरे प्लेट में विथ चिकन पॉपकॉर्न। तो अभिषेक यहाँ पे खा रहा है तो अभिषेक ने बहुत ही बढ़िया तरीके से खाया पूरा केचप जो अपने मुंह पे लगा लिया उसने। तो यहाँ पे हमारा रात का जो घूमी थी वो खत्म हो गया, चलिए अभी सुबह मिलते हैं। हेलो एवरीवन,
एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह मैं कार में क्या कर रही हूँ आप सोच रहे होंगे। एक्चुअली कल मैं शॉप पे आई थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि चीनी नहीं है। तो जैसे मैंने बोला था, चीनी और जो तेल है घर में, सडनली मतलब कब ख़त्म हो जाता है, ध्यान नहीं रहता है दोबारा लाने का। मैं आई थी तब मैं याद करके आई थी कि नहीं, मेरे को लेना है लेना है लेना है, और फिर मैं भूल गई। और अभी सत्यवती आई थी तो मैंने सोचा चलो सत्यवती और मैं चलते हैं करके। तो क्योंकि नहाया तो नहीं है, ओनली ब्रश किया है, तो मैंने बोला चलो मैं कार में बैठती हूँ और साइड में दुकान है वहाँ से लेके आ जाना करके बोला मैंने। तो लाने के लिए गई है वो चीनी और तेल, तो इसलिए जो है मैं कार में बैठी हूँ अभी। और बहुत लोग पूछ रहे हैं स्ट्रेटनिंग कराने के बाद आपका हेयर फॉल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिलहाल तो कुछ हेयर फॉल नहीं हो रहा है, बिकॉज़ आई एम टेकिंग प्रॉपर केयर। जो जो भी लगाना होता है वो सब कुछ बराबर लगा रही हूँ, इसलिए फ़िलहाल तो जो है अपनी स्टोरी सही चल रही है। सो लेट्स सी। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अभी तो ऐसे ही रहेंगे, 9 महीने के बाद 1 साल के बाद पक्का ख़राब हो जाएंगे। डराने के लिए कह रहे हैं कि सही में हो जाएंगे, पता नहीं, बट वॉट एवर, क्योंकि पहले भी ख़राब थे और दोबारा भी ख़राब अगर हो जाते तो दोबारा रिपेयर ही कराएंगे और क्या करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो अच्छा लुक है ना, तो फीलिंग हैप्पी फॉर दैट। तो चलिए मैं ज़रा गाड़ी एक साइड में लगाती हूँ रिवर्स करके, क्योंकि वापस जाना है, और उसके बाद मैं मिलती हूँ। आज सुबह का काम यहाँ से शुरू होता है, तो सुबह सुबह मैंने जो है कपड़े डाल दिए हैं और मिशन जो है चालू हो चुकी है बहुत ही रफ्तार से। और जो कल के कपड़े हैं वो निकाल रही हूँ, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले से नहीं निकालती हूँ, जब कपड़े डालती हूँ तो दूसरे कपड़े निकाल देती हूँ और जो भी तय लगाना होता है उसके बाद से करती हूँ, क्योंकि बाकी काम भी बहुत रहते हैं। और सत्यवती आ चुकी है यहाँ पे झाड़ू लेके घर की सफाई करने के लिए। तो हमारा जो वो साइड वाला प्लेस है वहाँ पे जो तिल्ली वाली झाड़ू होती है, कबूतरों ने उनको खींच खींच के एक एक तिल्ली जो है 4 डायरेक्शन में फेंक दी थी। तो सत्यवती मुझसे पूछ रही थी कि तिल्ली ऐसे किसने कर दी। मैंने बोला कबूतरों ने ही करी होगी, क्योंकि हम तो उस साइड जाते नहीं है रोज़ाना, मतलब पूरे दिन में काम कुछ होता नहीं है करके। तो अभी यहाँ मैंने कपड़े फोल्ड करना शुरू कर दिए है, और आयरन के कपड़े भी जो है साइड में मैं रखते रहती हूँ। और जब थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी हो जाते हैं, 50-60 कुछ हो जाते हैं कपड़े जब आयरन के, तो एक साथ उनको बांध के जो है मैं इस्त्री के लिए दे देती हूँ। और फिर मुझे याद आया कि अभी मछलियों को दाना डालना है, तो सडनली सडनली हमेशा ऐसे याद आता रहता है। और इसके बाद जो है मेरे को वो जो ग्लूटाथाइन का वो है टैबलेट्स है, वो भी मैं डालती हूँ रोज़, तो वो भी मैं भूल जाती हूँ। एक्चुअली उसको बिना खाए पिए कुछ खाली पेट डालना होता है, तो फिर मेरे को सडनली यहाँ मछली का दाना डालने के बाद याद आया कि अभी वो भी तो पीना है, तो फिर वो भी मैं किचन में डाल के थोड़ा उनको गलने के लिए रख के आके फिर यहाँ पे रख दिया था मैंने उसको। और अब मैं इसको पी लूँगी, एकदम सेम फांटा है यार, बहुत अच्छा टेस्ट है। बेशक इसको इसका जो ग्लोइंग स्किन है वो आए ना आए, टेस्ट बड़ा अच्छा है, कोल्ड ड्रिंक वाली फीलिंग आ जाती है। तो मैं ये कोई गोरा होने के लिए नहीं पी रही हूँ। बहुत लोग जो है इसके ऊपर बहुत सारे अपने जो है टिप्पणी दे रहे हैं, गोरे होने के लिए ये है, गोरे होने के लिए वो क्रीम है या ये है, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन गोरा होना नहीं है। ब्लेमिशेस ना हो, स्किन में अच्छा ग्लो आए, फ्लॉलेस बने, वो है रीज़न। एंड इट इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। और मैं रोज़ पी रही हूँ, तो मैंने बोला चलो फिर रोज़ दिखाएंगे तो लोग बोलते हैं कि प्रमोशन कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो। काहे का प्रमोशन यार, अब पी रहे हैं खा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, रूटीन है अपना, इसलिए दिखा रही हूँ, प्रमोशन वमोशन कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मैक्सिमम कपड़े भी फोल्ड हो चुके हैं। अब मैंने एंट्री ले ली है बेडरूम में, क्योंकि सत्यवती जो है हॉल में झाड़ू लगा रही है, तो झाड़ू लगाने से पहले मैं बिस्तर बिस्तर सब झाड़ देती हूँ। तो आज कुछ 4-5 दिन हो गए हैं मैंने बेडशीट चेंज नहीं करी है, तो मैंने बोला चलो आज चेंज कर देते हैं, तो चेंज कर रही हूँ। और अभी यहाँ पे सोफ़ा है, तो बस फेंको फेंको और वहाँ पे चला जाता है। पहले यहाँ पे झूला था, तो उसमें आड़ा डंडा एक होता था, इसलिए उसमें इतने जाके रखना पड़ता था, लेकिन सोफ़ा है बैठने के लिए भी बहुत कन्वीनियंट हो गया है, और ऐसे सामान फेंकने के लिए भी बहुत कन्वीनियंट हो गया है। तो अभी मैं ये बेडशीट भी जो है जब वो वाले कपड़े हो जाएंगे तब इसको भी डाल दूँगी, क्योंकि बेडशीट अगर बास्केट में वहाँ रखते हैं तो पूरा जो बास्केट है बेडशीट से ही भर जाता है। और देख रहे हैं आप, क्योंकि ये गांठ लगाते हैं तो बच्चे कितना भी कूदे बेडशीट बिल्कुल हिलती नहीं है। और यहाँ पे मैंने जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तब मैं मैक्सिमम जो मैट्रेस है उसको भी उल्टा कर देती हूँ, ताकि
मतलब एक साइड से डाउन वाउन ना हो, और ये शीट भी ऊपर मैंने डाल दी है एंड दिस बेडशीट। तो या तो आप चारों गांठे एक साथ लगा सकते हैं, या तो जिस जिस कॉर्नर में जाते हैं उसके हिसाब से जितना आपको लगता है लगाना है उतना उतना लगा सकते हैं। तो जितना आप टाइट गांठ लगाएंगे उतना ही आपकी बेडशीट फिक्स रहेगी, एकदम कॉर्नर में थोड़ा सा लगाएंगे तो इतना ज़्यादा टाइट नहीं रहेगी। इसलिए खींच के लगाना हो, मतलब खींच के लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ लोग जो है थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नर में पिद्दू सी गांठ लगाने के लगा रहे हैं और उसके बाद लगा रहे हैं, उससे भी इतना स्टेबल नहीं रहेगा, थोड़ी बड़ी गांठ लगाएं। और यहाँ पे अब अपना अरेंज कर रहे हैं पिल्लो, जो यहाँ पे रहने वाले नहीं है। मैं कितनी बार अरेंज करती हूँ ये लोग उठा के फेंक देते हैं। तो अभी मेरा बेडरूम पूरा रेडी हो चुका है और बहुत ही पीसफुल फीलिंग आती है ऐसे साफ़ सुथरा बेडरूम और पूरा घर साफ़ सुथरा देखने से। और यहाँ मैंने फ्रेगनेंस वाली कैंडल भी जला दी है, साइड में मिठाई है जो रात को ये खा रहे हैं, बहुत टेस्टी वाली मिठाई है वैसे, जो मैं नहीं खा रही हूँ। और दूसरी चीज़, मैं अपने डाइट को भी अभी थोड़ा मेंटेन कर रही हूँ, जूस वूस भी निकाल के पी रही हूँ, एंड थोड़ा वेट लॉस का जो है वो मैंने शुरू कर दिया है, थोड़ा वर्कआउट भी कर रही हूँ। आज के वीडियो में आपको मैंने वर्कआउट नहीं दिखाया, लेकिन किया था क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो जाती है, तो अगर शूटिंग ज़्यादा करते हैं तो अपनी एक्टिविटीज़ जो है थोड़ी मिस हो जाती है, इसलिए मैं जो है आज इंक्लूड नहीं कर पाई, वरना ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाता, आज एक्टिविटीज़ और भी ज़्यादा थी इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा लग गया, सब कुछ हो गया, सत्यवती का काम, और इस दौरान जो है मेरे जो कपड़े मैंने सुबह डाले थे वो भी जो है हो चुके हैं, और इसके बाद जो है मैं बेडशीट भी वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। और गर्मी इतनी बढ़ गई है बाबा रे, कि बाल स्ट्रेट करवाएं लेकिन खुले रखने का मौका ही नहीं मिल रहा है, जब देखो जूड़ा ही बांधना पड़ रहा है। मेरे कपड़े सूख गए और मैंने बेडशीट और एक टाल भी है वो भी डाल दिया है, ओनली यही डाला और कुछ भी नहीं डाला है। तो ये रहे मेरे कपड़े। एंड अभी नहाने से पहले मैंने सोचा जूस निकाल देती हूँ, और आदित्य को ऑरेंज जूस बहुत ही पसंद है, एंड ये वाली जो इंस्ट्रूमेंट है मशीन, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, विदाउट मेहनत, विदाउट इसके बीच बीच में आए आराम से कोई भी जूस निकल जाता है। मैंने इससे पहले भी दिखाया हुआ है इसमें जूस कैसे निकालना है, मैंने इससे पहले पोमोग्रेंट का जूस दिखाया था। सारे छिलके निकाल लिए हैं और ये हो गया है लॉक, उससे जो है मशीन हिलती नहीं है, और ऊपर जो स्पेस दिया है वहाँ से आप डाल सकते हैं, और बस आपको चरखा घुमाना है और जूस निकल जाएगा। देखिए जूस निकल गया है, जो आदित्य ने कम से कम दो की ढाई गिलास पिया है, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो पीने से पहले मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी वो पीने वाला है। और अभिषेक को भी मैंने दिया तो उसने बस एक सिप मारा, उसने नहीं पिया, उसको कोई भी जूस दो तो उसको इतना पसंद नहीं आता है, कूल ड्रिंक चाहिए उसको लेकिन ये नहीं आया। और कूल ड्रिंक की आदत भी पता नहीं उसको कैसे लग गई, अनजाने में लग गई, ऐसी लग गई, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पीता, कभी बाहर जाते हैं अगर दिख जाती है तो मांगता है। बहुत लोगों ने बोला कि अच्छा नहीं है, आई नो कि अच्छा नहीं है, बट वेरी रेयर, इट इज़ वेरी रेयर। जिससे जूस निकाला था मैं अभी उस मशीन को धो रही हूँ, सारे जो पार्ट्स हैं उसके अलग हो जाते हैं, तो धोना भी बहुत इजी है और उसको पूरा जो है उसके अटैचमेंट को खोलना भी बहुत ज़्यादा इजी है। एंड अब फाइनली मैं नहाने जाने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी दोपहर हो चुकी है ये सारे काम करते करते, तो किचन भी पूरा क्लीन हो चुका है, एंड प्लेटफॉर्म बहुत क्लीन होना चाहिए मेरे लिए, एंड पूरा किचन बहुत क्लीन होना चाहिए। अगर किचन में कुछ भी, चाहे चाय भी बनानी हो, छोटा सा काम हो, किचन आई वॉन्ट ऑलवेज वेरी क्लीन। एंड ये जो है वो ग्लास स्टैंड मैंने बोला था ना, तो ये साइड में रखा है मैंने पानी पीने के लिए।
एंड उसके बाद मैं नहाने जाने वाली थी, आदित्य के हाथ में एक पेन था, बोलता मम्मी मैं आपके हाथ में रंगोली बनाऊंगा, तो उसने बनानी शुरू करी। एंड आजकल वो बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, बहुत ज़्यादा अच्छी, उसकी एज से ज़्यादा अच्छी ड्राइंग करता है, और कुछ सोचता है और वो ड्रॉ कर देता है, पेंटर बनने वाला है लगता है मेरा बेटा। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल है ना। वाओ आदित्य सो नाइस। और अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ, तो सबसे पहले मैं ये लगा रही हूँ एक्टे का जो मैंने विटामिन सी सीरम लगाया था। तो कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आप टैबलेट भी डाल रहे हो, आप ये भी लगा रहे हो, मतलब प्रमोशन के लिए आप कुछ भी करोगे। मैं प्रमोशन के लिए नहीं, एक्चुअली मैं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए तो मैं बता रही हूँ। तो मैं वो टैबलेट्स भी डाल रही हूँ और ये जो सीरम है उसको भी लगा रही हूँ। एंड जो भी मैं यूज़ करती हूँ, एक्चुअली जेन्युइनली जो मैं यूज़ करती हूँ वही दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी का चीज़ का प्रमोशन कर रही हूँ तभी मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने यहाँ सीरम लगा ली, अभी मैं सर में पहले फेस का सीरम लगा लिया, अभी ये लॉरियल का सीरम लगा रही हूँ मैं। सीरम लगाने के बाद ही जो स्मूथनेस होती है ना स्ट्रेट हेयर में, वो बहुत अच्छी तरह दिखती है। और यहाँ पे लगा लिया अभी मैंने शुगर का ही कॉम्पैक्ट, जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है, कॉम्पैक्ट बोलते हैं उसको, पाउडर, हाँ पाउडर। और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं शुगर का लिक्विड लिपस्टिक। शुगर के आइटम्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज लॉन्ग लास्टिंग रहता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, चाहे काजल हो, जैसे मैं ये सारे शुगर के ही लगा रही हूँ, तो काजल भी है टिका रहता है, आईलाइनर भी है टिका रहता है, उसको रगड़ रगड़ के जब तक निकाल नहीं देते ना तब तक निकलता नहीं है। एंड सब बाकी सब भी यूज़ करती हूँ, तो टाइम टाइम की बात है। तो मैंने लिंक्स सारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, तो आप लोग पक्का चेक कर लीजिएगा। हाय एवरीवन, तो बच्चों को मैंने सुला दिया है, सुबह से मुलाकात नहीं हुई आपसे क्योंकि घर का काम बहुत ज़्यादा हो रहा था। एंड यू नो एवरीडे जो डीप क्लीनिंग होती है अपन नहीं करते हैं, तो आज जो है मैंने काम भी किया, फिर जूस भी निकाला एंड सब कुछ किया। एंड कल के वीडियो में जो मैंने पिंक कलर का जो लिपस्टिक लगाया था वो बेला वोस्टा का और मेबलिन का मिक्स था, तो उसमें आप सब लोग को जो है वो मेकअप लुक बहुत पसंद आया, तो मैंने बोला चलो आज भी जो रेगुलर मेकअप कर रही हूँ मैं, जो घर में रहते टाइम करती हूँ, मतलब एवरीडे बेसिस, इवन इफ आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, बट यू नो टू बी प्रेजेंटेबल, क्योंकि हम लोग वीडियो शूट करते हैं तो मेकअप कर लेती हूँ। और एक दूसरे रीज़न से भी कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्पेसिफ़िकली किसी एक वीडियो के लिए रेडी होना है तो स्पेसिफ़िकली होना पड़ता है। अगर रेडी ऑलरेडी होते हैं तो जो पेंडिंग वाले वीडियो होते हैं, जब टाइम के हिसाब से बच्चों अगर सो रहे होते हैं उसके हिसाब से शूट हो कर लेते हैं, इसलिए भी मैं रेडी हो जाती हूँ कि अगर टाइम मिलेगा तो दूसरा वीडियो भी शूट कर लेंगे करके। बट मैंने सोचा कि मैं शूट करूँगी लेकिन उन लोगों ने करने नहीं दिया, इसलिए मैं रेडी हुई थी, एक्चुअली एक और वीडियो शूट करना था। तो अभी तो सो गए हैं और मेरे को भी बहुत थकान हो रही है क्योंकि सुबह से बहुत जो है बैलगाड़ी बहुत चल गई है और थक गई हूँ मैं। एंड इससे पहले मैंने जो कमेंट ऐड किया था आप लोगों के लिए, उसमें वो कमेंट था डिश वॉशर, जो एक बार मैंने रिव्यू दिया, काफ़ी टाइम हो गया उसका रिव्यू देके, उसके नीचे आया था वो कमेंट, जैसे कि आपने देखा नाम वो सब आपने पढ़ ही लिया होगा। तो वहाँ पे वो लिखते हैं, लिखती हैं, आई मीन लड़का है कि लड़की है पता नहीं, वो लिखते हैं कि आदमी औरत को शादी करके घर में इसलिए लाता है ताकि वो काम करे घर का, ना कि ऐसी ऐसी मशीनें खरीद के पैसा खर्च करे। मतलब अगर आदमी को काम ही कराना है तो शादी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, नौकरानी एक अच्छा खासी हायर कर ले तो बढ़िया है, क्योंकि घरवाली है तो भैया घरवाली को अगर आप काम भी करो उसको शॉपिंग करानी पड़ती है या घर की नीड्स होती है, कपड़े खरीदने पड़ते हैं, तो उससे तो इनएक्सपेंसिव ही रहेगा ना नौकरानी को रखना, है ना, जो घर में मेड होती है। तो ये कहाँ की ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है मुझे समझ में नहीं आता। मतलब अगर एक इंसान किसी से शादी कर रहा है तो उसकी उसका मतलब हाउसवाइफ जो बन रही है वो हाउसवाइफ नहीं बन रही, मतलब नौकरानी बन रही है। अपनी बुद्धि ठीक करो यार, मतलब अगर आप खूब काम कर रहे हो या अगर आपने अगर आप मेल हो, क्योंकि आईडी में तो कुछ समझ में नहीं आता है कोई अपने पति के मेल से बात कर रहा होता है, या तो जो लड़कियां होती हो वो लड़कों का नाम लगा के बात करने लग जाती है। तो अगर लड़के हो तो फिर अगर ऐसी थिंकिंग रखते हो तो भी शादी करने का तुमको तो कोई है कि नहीं है, अगर इस इंटेंशन से शादी कर रहे हो कि जो आने वाली आपकी बीवी है उनसे एकदम जो है पूरी जो फार्मिंग होती है सब कुछ कराने वाले हो, देन तो
दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. और इसलिए शादी जो है बहुत सोच समझ के करनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आज रिश्ता देखा और कल कर लिया. पहले जानो कि इंसान कैसा है. आपको एक इंसान के बारे में अगर पता करना है तो ये नहीं कि आप उसके साथ सालों रहो या कुछ भी. फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड बोलते हैं ना, जिसे आप किसी बंदे या बंदी के साथ जो है एक दो घंटे रहो या एक दो, अगर आपको फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, शादी फिक्स हो जाती है, उसके बाद यू हैव टाइम फॉर रोका, राइट. तो उसके बीच में ट्राई टू नो दैट पर्सन, लाइक हुएवर यू आर मैरिंग, लड़का या लड़की जो भी है, उसको पूरी तरह जानने की कोशिश करो. आप ऐसे क्वेश्चंस भी पुटअप करो कि जो आपको लगता है शायद फ्यूचर में आपके काम आ सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं सोचना है नहीं कि भैया अभी रोका होने वाला है, शादी फिक्स कर रहे हैं माँ बाप की, ना एकदम अच्छे अच्छे बन के रहो. मतलब मेरा मतलब ये भी नहीं है कि एकदम कुछ और ही हो जाओ. मतलब अगर आपके दिमाग में कोई शंकाएं हैं या कोई क्वेश्चंस है, आप उनसे पूछ लीजिए. तो उनका जब उस सेंसिटिव इश्यूज़ पे या आपका जो आप जिसके लिए बहुत कंसर्न है उस चीज़ों पे उनका रिएक्शन देख के आपको पता लग जाएगा, सुन के पता लग जाएगा कि हाउ ब्रॉड माइंडेड दे आर. ठीक है. तो जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था कि औरत मर्द शादी इसलिए करता है ताकि उसकी पत्नी आके घर का काम करे, ना कि मशीनें खरीदे. सो कम ऑन, गेट लाइफ. अगर आप ऐसी दुनिया में जी रहे हैं तो आप जी नहीं रहे हैं, आप तो कुछ और ही कर रहे हैं. तो ये किए था. एंड दूसरी चीज़ ये कि किसी ने मुझे बोला कि आप क्या बोलते हैं, मैं हमारी जो मेड है सत्यवती, तो मैं बताने के लिए कभी कभी मेड बोल देती हूँ. ऐसा मैं गाली थोड़ी दे रही हूँ, मेड कोई गाली थोड़ी है. मैं सत्यवती भी बोलती हूँ, मेड भी बोलती हूँ, या जो भी बोलती हूँ. बट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट कि मेरा इंटेंशन क्या है वहाँ पे. तो आपको ध्यान, मतलब आपको गौर इस पर करना चाहिए कि मेरी इंटेंशन अगर बुरी है और मैं उसको जो है नौकरानी बुला रही हूँ, तब वो अलग चीज़ होती है. बट माई इंटेंशन आर नॉट दैट. बिकॉज जब मैं वीडियो की वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, तो वॉइस ओवर जिनको मालूम है वॉइस ओवर कैसे किया जाता है वीडियो का, उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि वॉइस ओवर क्या होता है, पहले हम लोग वीडियो शूट करते हैं, उसके बाद जब एडिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में वीडियो के हिसाब से जो है अपना मुंह दौड़ाना पड़ता है. तो उस दौड़ाते टाइम पे जो फ्लो में आता है वो निकलता है. एंड दैट टू आई एम नॉट अब्यूजिंग एनीवन, सो प्लीज़ डोंट टेक इट इन ऑफेंसिव वे. मतलब आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन, सारे लोग नहीं, कुछ लोग जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं, मतलब अपने आप को ही संत समझ रहे हैं. बाकी हम सब तो बस दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं ऐसा अंदाज़ा मान के बैठे हैं. तो ज्ञान दे रहे हैं ठीक है, लेकिन थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए, है ना. तो अगर आप मेरे एटीट्यूड को जानते हैं, मैं कैसे इंसान हूँ, तो आई थिंक वो वाले क्वेश्चंस पुटअप करने का कोई मतलब ही नहीं है. बिकॉज माई एटीट्यूड इट्सेल्फ गिव्स द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस. एटीट्यूड मतलब एरोगेंस नहीं, एटीट्यूड मतलब मेरा बिहेवियर. तो बस इतना ही. एंड लास्ट में यही, जिन्होंने वो मैसेज किया था कि हाउसवाइफ से जो है काम कराने के लिए शादी की जाती है, तो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. हाउसवाइफ नौकरानी नहीं होती है. आपकी जो पार्टनर है आपको उसको इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए टू लीड अ हेल्दी लाइफ, रादर देन यू नो कि काम कर रही है तो अच्छी, नहीं काम कर रही तो नहीं अच्छी, एंड कंपेयरिंग इन डिफरेंट मैनर्स. सो लीव दैट. सो फाइनली, हाउसवाइफ नौकरानी नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए. एंड आई एम प्राउड टू बी अ हाउसवाइफ प्लस सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. एंड आई एम प्राउड ऑफ ऑल दोज मदर्स एंड ऑल दोज वुमेन who are staying at home and taking care of their families very well. So, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक चिपका दीजिए. वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, नीचे चिपका दीजिए ना, भूल जा रहे हैं फिर आजकल आप. और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं घंटी बजाते हुए, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगा. और ये वाला लुक अगर आपको अच्छा लगा है तो, अगर लाइक करना भूल गए तो फिर से लाइक कर देना, मतलब एक ही बार दबाना, लेकिन अगर भूल गए तो दबा देना. तो चलिए, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.